अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लेजियोन। क्लेजियोन हमारे माइबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है। अब इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए माइबोमियन ग्लैंड जो है ये पाया कहाँ जाता है। माइबोमियन ग्लैंड जो है वो आपके टॉर्सल प्लेट, जो आपकी आईलेट की थर्ड जो फाइब्रस लेयर है, फाइबरस लेयर के अंदर ग्लैंड पाया जाता है। अब इस ग्लैंड में क्या होता है, ग्लैंड ये प्रोड्यूस करता है ऑयली सीक्रेशन, मतलब ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल प्रोड्यूस होता है और वहां से जो डक्ट्स है, डक्ट्स उसको ड्रेन आउट करते हैं। ये नॉर्मल था, नॉर्मली ये होता है। अगर लेकिन अगर इसकी जो डक्ट्स है, माइबोमियन ग्लैंड की जो डक्ट्स है जो ऑयल को अपने साथ ड्रेन आउट करती है वहां से, वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, जो भी वहां पे ऑयली सीक्रेशंस है वो वहां पे एक्यूमुलेट होंगे। एक्यूमुलेट होंगे तो मास क्रिएट होगा। अब मास क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, आपके कोर्निया को, आपकी आई को इरिटेट करेगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा, नॉर्मल प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। अब इसकी कॉजेस क्या है, कॉजेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है ये क्लेजियोन, ये ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स ऑफ माइबोमियन ग्लैंड का है, माइबोमियन ग्लैंड। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लैंड जब ये डक्ट जब ब्लॉक होगी, सिक्रीशन जो ऑयली सिक्रीशन है वो वहां पे एक्यूमुलेट होगी, वहां पे मैस क्रिएट होगा। इसकी कॉजेस पढ़ लेते हैं, कॉजेस क्या हो सकती है। तो इसकी कॉज बेसिकली अननोन है, इडियोपैथिक है, मतलब एग्जैक्ट जो कॉज है वो नहीं पता, बट मे बी इंफेक्शन की वजह से हो सकता है। बस बट मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से न भी हो तो एडियोपैथिक होते हैं। ऑफ कोर्स अगर बॉडी के अंदर कुछ भी, अगर आपको एक्स्ट्रा बॉडी का मास मिलता है वहां भी इन्फेक्शन होने के चांसेस, तो क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बैक्टीरिया से भरा हुआ है तो इन्फेक्शन तो कॉमन है, तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन अब कॉज जो है, मतलब एसोसिएशंस देख लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं, किस वजह से हो सकता है। मतलब अगर पेशेंट्स कुछ ये सिम्टम्स हो, मतलब ये ऑलरेडी इन कंडीशंस में मुबला हो, तो क्या होगा उसको, अगर उसके आईलेट के अंदर, आईलेट में कोई स्पॉट दिखता है, कोई पिंपल टाइप जिसको कहते हैं वो दिखता है, तो वो मे बी प्रोबेबली क्लेजियन होगा। तो फर्स्टली इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, डायबिटीज, मतलब डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा सेबोरिक डर्माटाइटिस से क्लोज रिलेट है, सेबोरिक डर्माटाइटिस। इसके अलावा आपकी आईज का, मतलब आईलिट का या आई की एक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं ब्लेफराइटिस। मतलब अगर आपकी आईलिट जो है उसका इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की वजह से भी क्लेजियन हो सकता है, जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि कॉजेज में इडियोपैथी के अलावा इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेशेंट को सिम्टम्स है वो सिम्टम्स क्या होंगे क्लेजियन के, मतलब क्लिनिकली प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमने इसको डायग्नोस क्लिनिकली करना होता है। तो इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि क्लेजियन में जो पिंपल होता है इरिटेटेड जरूर होता है, लेकिन इसमें पेन नहीं होती, पेनलेस होता है, ये याद रखना है, पेनलेस होता है। अब सिम्टम्स लाइन वाइज याद करते हैं, क्या सबसे पहले क्या होगा, उसको मैस दिखेगा, वहां पिंपल होगा, मैस की वजह से इरिटेशन होगी, इचिंग होगी। इरिटेशन होने की वजह से क्या होगा, वो वहां पे एक जो मैस है वो आपकी कॉर्निया को पुश कर रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी जो आई साइट है वो, जो विजन है वो ब्लर हो सकती है। तो एक तो हो गया पेनलेस होगा, इसके अलावा पेनलेस होने के अलावा अगर हम टच करते हैं तो हार्ड ऑन टच होगा, अगर टच करते हैं, टच करने पे हमें हार्ड फील होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर क्लेजियन के अंदर पेन नहीं होती।
इसके अलावा अगर उसकी आईलिड जो है, आईलिड को हम इवर्ट करें मतलब इन्वर्ट करके देखें, तो जैसे कंजक्टाइवा जो है, कंजक्टाइवा आपको रेड मिलेगा, एरिथमेटिक मिलेगा, एरिथमेटिक कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा। इसके अलावा जब कंजक्टाइवा, अच्छा इसके अलावा क्या होगा कि जब ये जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है, मैस क्या होगी, कॉर्निया के नॉर्मली क्या करेगा, उसको प्रेस कर रहा होगा, प्रेस करने की वजह से विजन जो ब्लर होगी उस कंडीशन को कहते हैं एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म तो ये प्रोसेसेस हो सकते हैं। मेनली चीज यही याद रखने के पेनलेस पिंपल होगा जो भी वहां पे होगा। तो अब इसको जो है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट ये क्लिनिकली हो जाता है, मतलब ये सिर्फ सिम्टम्स बेस से आप कह सकते हैं कि लेजियन होगा। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट सिंपली यही है कि आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर पिंपल छोटा है तो क्या करेंगे, सिर्फ वार्म कंप्रेशन कहते हैं ना गर्म आर्च सेक देना, तो वार्म कंप्रेशन करेंगे। इसके अलावा अगर तो इरिटेटेड है तो एंटी हिस्टामिन्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉपिकली मेडिकेशन यूज करनी है। अगर पिंपल स्मॉल है तो टॉपिकल स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अगर तो पिंपल स्मॉल है तो स्मॉल के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आप सेल्फ प्रिजर्वेशन करेंगे, मतलब अपनी ख्याल कर अपनी सफाई रखेंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, वार्म कंप्रेशन कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशन के अलावा क्या कर सकते हैं, स्टीरॉयड, टॉपिकल स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी यूज कर सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रेजियम का साइज बहुत बड़ा हो, मतलब आपको इन मेडिकेशंस के साथ वो पेशेंट का जो क्रेजियम वो ट्रीट ना हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसके दो मेथड हैं। या तो आप क्या करेंगे, आप इवर्ट करके मतलब कंजक्टाइवा वाली साइड से अंदर से बाहर को क्या करेंगे, सीओ का इंजेक्शन लगाएंगे, या फिर क्या करेंगे कट करेंगे वहां से जो पस है, जो वो क्यूमुलेशन है, जो मैस है, उसको रिमूव करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। तो उसके दो, अगर तो बड़ा बिगर है, लार्ज है, लार्ज क्लेजियम के लिए क्या करेंगे, दो तरीकेकार हैं। या तो हम क्या करेंगे स्टीरॉयड इंजेक्ट करेंगे, स्टीरॉयड कौन सा यह इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई एम्सिनोरॉन, ट्राई एम्सिनोलोन 0.1% हम क्या करेंगे इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो ये था सिंपली क्लेजियोन। क्लेजियोन क्या है, सिंपली आपका पेनलेस पिंपल है। क्या होगा कि सिर्फ आपकी ब्लर विजन कॉज कर सकता है, जिसको एस्टिगमेटिज्म कहते हैं। हार्ड ऑन टच होगा और पेनलेस होगा, सिम्टम्स ये थे। इस पेज पे आप कह सकते हैं क्लेजियोन है। इसमें होता है कि मेबोमियन ग्लैंड के डक्ट्स की जो है ब्लॉकेज होती है, उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो ऑयली सॉल्यूशन है वो एक्यूमुलेट होगी और मैस क्रिएट करेंगी। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी सफाई का ख्याल करेंगे, मतलब आइस वॉश, मतलब अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं, टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्लेजियम का साइज बड़ा है, ट्रीट नहीं हो रहा है, तो इंसिजन एंड ड्रेनेज, और आप इंट्रा मस्कुलर आप क्या कर सकते हैं, 0.1% ट्राइएम्सिनोलोन स्टीरॉयड इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था क्लेजियम।